हीरो हीरो नहीं आया यार आज। नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। आज आगे हम हैं भिलाई के चंद्रा टाकीज में, जहां लगे हैं जवानी जिंदाबाद। बहुत बेहतरीन फिल्म है संगवारी हो, गंगा सागर पंडा जी के द्वारा निर्देशित ये फिल्म है। एकर से पहली गंगा सागर पंडा जी है वैधी फिल्म बनारी से, वो भी फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ये भिलाई के चंद्रा टाकीज में लगे संगवारी हो। अभी 3 से 6 बजे वाला शो अभी निकलने वाला है, तो आओ जानथन पब्लिक रिएक्शन है, तो चलो चलथन। पारिवारिक है, अच्छा है। कोई डायलॉग याद है सुन के आप लोग निकल रहे होंगे? हम लोग आने के लिए ना दूसरा मूवी देखने आए थे, देख लिया दूसरा, वहाँ जाके दूसरा देखे इसलिए कंफ्यूज हो गया। उसमें हर चीज के बारे में बताया गया है, फ्रेंडशिप की पढ़ाई भी फ्री करना है, ये सब जैसे गरीबी स्थिति में है ना, उन लोग का पढ़ाई कम शुल्क में हो, ये सब पारिवारिक है। हम लोग स्टूडेंट के लिए खास करके, अच्छा, जैसे हम लोग बाहर में आए हैं, बाहर से पढ़ने लिखने, हाँ हम लोग बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग जैसे बाहर आए हैं तो माँ बाप जैसे कैसे भी करके उधर पैसा भेज रहे हैं, उसको हम लोग गलत उपयोग करेंगे, ये गलत है, वो सब उसके बारे में है बस। अच्छा, मैं कैमरा देख के लोग भाग क्यों जाते हैं? क्योंकि हम लोग कुछ समझते नहीं है। एक बार जवानी जिंदाबाद बोलो। जवानी जिंदाबाद, आइटम जिंदाबाद। पिक्चर बहुत बढ़िया था, पिक्चर बहुत बढ़िया था, मैडम सिंह सीन अच्छा था, लेकिन इसमें बस इतना है कि दोस्त कह सकते हैं कि दोस्त बस हैं जो मरते दम तक अपना साथ देने के हिम्मत रखते हैं, मरने के बाद और हमेशा मरने दम तक साथ दे सकते हैं। दीदी पिक्चर कैसे लगी? भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तो भाई इधर आ, तो डायलॉग मार, तो कौन सा डायलॉग था उसमें? मार डायलॉग डालेगा भाई। अरे कौन सा डायलॉग था? पापा की परी वाला, पापा की परी और नहीं पता, नहीं पता, पापा की नहीं है, नहीं है पापा की परी तो नहीं है। 14 फरवरी ये अच्छी शिक्षा बताया कि माँ बाप को ना पता रहना चाहिए कि घर की परिस्थिति बच्चों को कैसी होनी चाहिए, दूसरों को देख करके ये नहीं करना चाहिए। अच्छी लगी मूवी में, कुछ मैसेज है कि यूं टाइम पास ऐसे ही फनी मूवी में? मैसेज तो रही से मैसेज था, क्या मैसेज मिला आपको? डायलॉग वायलॉग बोलना चाहे? एक संदेश दिया गया है कि जो बच्चे गांव से शहर की ओर जाते हैं और वे जो हैं वहां जाकर के पढ़ने के लिए गए रहते हैं, लेकिन वहां पर एक लड़की के प्यार में हमारा जो नायक है संविधान, आकाश सोनी ने वो कैरेक्टर प्ले किया है, बहुत ही प्यारी उसकी स्माइल है। पहली बात तो उसकी स्माइल देख करके बहुत ही मज़ा मुझे आ जाता है। उसके बाद उसका जो उन्होंने जो कैरेक्टर संविधान को प्ले किया है कि पहले जो है जब वे शहर जाते हैं तो अकेले रहते हैं, फिर उनकी दोस्ती होती है लक्षित झांझी से और ज्योत्सना ताम्रकार से, दोनों से दोस्ती होती है, फिर उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जो आप सभी जानते हैं सुमन पटनायक वो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तो प्यार हो जाता है। अब लड़की रहती है विधायक की बेटी, बहुत अमीर, और आकाश सोनी जो है अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते हैं, तो लक्षित झांझी उनको हेल्प करते हैं कि प्यार के लिए कैसे इजहार करेगा, कैसे उसको अपनी बात, उसके दिल की बात उसको बताएगा, तो ये सब होते रहता है। इसके साथ वो थोड़ा सा उसको प्यार जो है नहीं मिलता, तो फिर वो रास्ता भटक जाता है, फिर वो भूल जाता है कि भाई उसके माँ बाप अपनी ज़मीन को बेच करके उसको पढ़ाने के लिए शहर भेजे थे। मीन्स तो, पूरा आप कहना चाहते हैं अपने शब्दों में कि पूरी इंस्पायर करने वाली मूवी? अरे बहुत इंस्पायरिंग मूवी है, कॉमेडी भी अच्छी है। सैंडी के किरदार में हमारे बहुत ही प्रोजेक्ट हेड जो है फिल्म के, उन्होंने प्ले किया पूरन किरी जी ने। तो एंटरटेनमेंट मूवी है, एंटरटेनमेंट मूवी। संदेश कैसी फिल्म में? मस्त है, बहुत बढ़िया, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा है। और भी दर्शक हैं जैसे कि देख सकते हैं, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और मूवी देख सर बहुत अच्छा लगा भैया। सर आजकल मूवी जो है इंस्पायरिंग की है कि युवा पीढ़ी को मैसेज देने वाली मूवी है ये? युवा पीढ़ी के लिए है। अच्छा, आपको ऐसा लगा कि पैसा वेस्ट तो नहीं किया आपका? नहीं, ठीक है, मूवी अच्छी है, बहुत अच्छी लगी। पिक्चर कैसी लगी साहब? नहीं, पिक्चर कैसी लगी? अच्छा लगी, अच्छी लगी। देखिए जैसे कि दर्शक बता रहे, आप कुछ बताना चाहोगे? एक्टिंग वगैरह सब ठीक लगी, सब संविधान के बारे में दिए गए अपने, मतलब पढ़ाई लिखाई करने के लिए कि शिक्षा मुक्त कर दे, पैसा वैसा न लगना चाहिए, तो ये मैसेज है। ओवरऑल आपका पैसा पूरा वसूल हुआ?
मेरा लड़का तो यहाँ पे है। कुछ मैसेज मिला मूवी के माध्यम से? बहुत मैसेज मिले भाई। क्या बोलना चाहेंगे दर्शकों, क्या मैसेज मिला मूवी के? सब बच्चे पढ़ाए भाई, गरीब रहे उम्मीद है। पढ़ाई के बेस पे बनी हुई मूवी, एक नंबर, दिल खुश, पारिवारिक फिल्म, हाँ एक नंबर, दिल खुश पूरे परिवार, यहाँ तक के इमोशनल भी कर दिया भाई, रोवा भी दिया। आप बताएंगे आप पिक्चर कैसे? अच्छा था, रो भी दिया मैंने, अभी से आंख लाल हो। क्या इसमें कौन हीरो मर गया था कि नहीं? उस जो ये कम है ना, तो बेटा खत्म हो गया ना, तो बारे में संविधान कम, मतलब गरीबी में भी माँ बाप पढ़ने भेजते शहर, तो मतलब ये है कि बच्चे लोगों को मिसयूज नहीं करना चाहिए पैसे का, मतलब ये शहर में बहक बहकना नहीं चाहिए कि मतलब पैसे का मिसयूज नहीं करना चाहिए, जिस पर्पज से पढ़ने आए हैं वही मतलब वो रहना चाहिए। और गाने कैसे लगे फिल्म? गाने अच्छे, मतलब ठीक ठाक थे, एकदम ज़्यादा अच्छे है ऐसा नहीं लगे, अच्छा लगा, हाँ ठीक है। मतलब बहुत सारे मूवी में कुछ वल्गर रहता है, इसमें गाने में कुछ वल्गर पर नहीं, अच्छा देख सकते हैं, फैमिली के साथ देख सकते हैं, फैमिली मूवी है, देख सकते हैं। जैसे आजकल की सभी मूवी तो वन टाइम ही है, तो ये मूवी भी ऐसा है कि एक बार देख ही सकते हैं, फैमिली के साथ ही देख सकते हैं। जैसे बहुत सारी मूवी रहती है वन टाइम ही रहती है, पर फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, अच्छा है, सब देख सकते हैं। मैम एक सेंटेंस में, आप टाइटल में वैसे ही पिक्चर था, बहुत अच्छी पिक्चर थी, दोस्ती के ऊपर ज़्यादा अच्छी थी। और जो बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, खराब आदतों में लग जाते हैं, उससे वो सीख चुके हैं कि बाहर गए जाए तो फिर देखे भी अपना घर परिवार, पढ़ाई वढ़ाई करे, अच्छा पढ़ाई करके अपने घर परिवार भी देखे, उस प्यार के लग्न में लग के फिर अपना परिवार खोने के लिए जा रहा था, जब उसको होश आया तो खुद ही नहीं रहा। तो अपनी ज़िंदगी भी देखना चाहिए, अपने माँ बाप को भी देखना चाहिए, अपनी पढ़ाई भी देखना चाहिए। धन्यवाद मैम। तो संगवारी हो, ये रही से आज चंद्रा टाकीज के पब्लिक रिएक्शन कि आखिर ये जवानी जिंदाबाद फिल्म हाँ दर्शक मन ला कैसे लगी से हमन अपन वीडियो के माध्यम से आप मन ला दिखा थन, तो ये वीडियो कैसे लगी से लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ संगवारी हो। और हाँ एक बार जरूर ये फिल्म ला आके देखो जवानी जिंदाबाद, नाम में मत जाओ संगवारी हो, नाम है थोड़ा अलग है, लेकिन अलग लगत हुई, लेकिन फिल्म बिल्कुल पारिवारिक है और कॉमेडी है, बिल्कुल परिवार बैठ के देख सकते ये फिल्म ला। धन्यवाद, देखत रहो द संगवारी, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज ला फॉलो कर सकत हो आप मन, धन्यवाद। आपने मेरा ऑटोग्राफ दिया है, आपके ऑटोग्राफ दीजिए। तो मैंने भाई ने आपका पसंद आएगी।